रानी मुखर्जी की मोस्ट अवेटेड फिल्म मिसेज चटर्जी विच नॉर्वे ने आखिरकार थिएटर में दस्तक दे दी है। आसमा छिप्पर के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो अपने बच्चों की कस्टडी पाने के लिए सभी हदों को पार कर देती है। इस फिल्म में रानी मुखर्जी के अलावा नीनम गुप्ता, जिम सर्व और अनिवार भट्टाचार्य भी मुख्य भूमिका में है। ये फिल्म सागरिका चक्रवर्ती की आत्मकथा द जर्नी ऑफ ए मदर पर बनाई गई है। कसम से 2023 की सबसे बेस्ट बायोपिक मूवी है, जो मुझे काफी पसंद आई। आज इस वीडियो में इसी मूवी का रिव्यू करेंगे। मूवी देखने से पहले इस वीडियो को पूरा जोर देखना। आइए देखते हैं, मजा आएगा। देविका पर नॉर्वे की चाइल्ड वेलफेयर सर्विस ये आरोप लगाती है कि वो अपने बच्चों को जबरदस्ती खाना खिलाती है। उनके साथ देविका का बर्ताव ठीक नहीं है और उनकी मानसिक स्थिति भी सही नहीं है। देविका के पति अनुरोध पर भी डोमेस्टिक वायलेंस, पत्नी की मदद न करने का आरोप लगाया जाता है। इन दोनों बच्चों का बेहतर तरीके से ख्याल रखने के लिए दोनों बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर सर्विस वाले अपने साथ ले जाते हैं। फिर शुरू होती है एक माँ की अपने ही बच्चों को अपने पास लाने के लिए पराए मुल्क से लड़ाई। किस तरह ये लड़ाई लड़ी जाती है, किस तरह से देविका अपने रास्ते में आने वाली मुश्किलों का सामना करती है, कैसे एक अकेली औरत इन सभी समस्याओं का सामना करती है, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। अगर इसके प्लस माइनस पॉइंट की बात करें तो प्लस पॉइंट, फिल्म में रानी मुखर्जी ने बंगाली माँ का किरदार बड़े ही खूबसूरती से निभाया है। वैसे शुरुआत में उनकी एक्टिंग ओवर एक्टिंग लगती है, लेकिन जब बच्चों को वेलफेयर सोसाइटी वाले उठाकर ले जाते हैं, उस वक्त रानी का कास के पीछे भागना, घिसटना और गिर जाना कहानी को और भी जबरदस्त बना देती है। उसके बाद कहानी अपने रफ्तार से आगे बढ़ती है। आसिमा छिप्पर, समीर सतीजा और राहुल हंडा न केवल नॉर्वे सरकार के नियम कानून को बहुत प्यार से खाल उधेड़ते हैं, बल्कि डोमेस्टिक वायलेंस और औरतों को लेकर स्टीरियो टाइम जैसे मुद्दों को भी छूती है। बैकग्राउंड स्कोर शानदार है। एल्बर कोए की सिनेमेटोग्राफी ने नॉर्वे और कोलकाता को खूबसूरती से दर्शाया है। अमित त्रिवेदी के संगीत में सुबह सुबह गाना यादगार बन जाता है। अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो नेगेटिव पॉइंट, इस तरह की सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्मों की सबसे बड़ी चुनौती उसका स्क्रीन प्ले होती है। उस लेवल पर कहानी थोड़ी कमजोर साबित होती है। कुछ किरदार इसमें टोटल ब्लैक और व्हाइट नजर आते हैं, जिसे देखकर अटपटे लगते हैं। फिल्म में बंगाली भाषा की भरमार है, जिन्हें सबटाइटल के साथ दर्शाया गया है, मगर कई जगहों पर उनके शब्द कानों को खटकते हैं। कुल मिलाकर फिल्म एक दमदार है, जिसे आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। अगर आपके जहन में ये सवाल है कि आखिरकार क्यों देखें, तो रानी मुखर्जी के दमदार अभिनय और महिला सशक्तिकरण के चाहने वाले ये मूवी देख सकते हैं। अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।